हेलो, हर हर महादेव एवरीवन। तो आज हम बनाने वाले हैं एकदम ही क्रिस्पी और यमी भिंडी की सब्जी। तो उसके लिए हमने आपको भिंडी को ना धो लिया है अच्छे से, और फिर उसे सुखा लिया है, एक कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। और इस तरह से एक भिंडी के हम दो दो टुकड़े करने वाले हैं, ठीक है। एक ही साइज़ के दो टुकड़े करिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। तो ये हमारी भिंडी का ठोकर रेडी हो गई है। अब एक कढ़ाई लेंगे, उसके अंदर ऑयल डाल देना है। ऑयल गर्म हो जाए तब उसके अंदर हमें भिंडी डाल देनी है। अब भिंडी को ना हमें एकदम ही क्रिस्पी वाला सा फ्राई कर लेना है। तो क्या करेंगे कि इसको तब तक हमें फ्राई करना है जब तक कि इसका जो टेक्स्चर है, उसका आउटर लेयर है, वो एकदम क्रिस्पी दिखने लगे, और अंदर के जो इसके बीज होते हैं ना, वो भी अच्छे से ब्राउन गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो तब हमें पता चल जाएगा कि ये हमारी फ्राई हो चुकी है। और जैसे जैसे ये आप देखते जाओगे ना वीडियो में, तो आपको पता चलेगा कि भिंडी फ्राई हो रही है, उसका टेक्सचर देख के ही आप समझ जाओगे। तो यहाँ हमारी भिंडी जो है ना, वो अच्छे से फ्राई हो चुकी है। ये देखिए, अभी हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये हमारी एक बैच तो भिंडी की फ्राई हो चुकी है, सेम उसी तरह से हम दूसरी बैच भी फ्राई कर लेंगे भिंडी की। तो ध्यान रखिएगा कि ये जो भिंडी है ना, वो कच्ची ना रह जाए, वरना फिर इसके अंदर का जो क्रिस्प है ना, वो अच्छा आएगा ही नहीं, तो कुरकुरी नहीं बनेगी सब्जी। अब हमने यहाँ पे लिए है दो मीडियम साइज़ के प्याज, और उसे छील के उसके अच्छे से पीसेस कर लेने हैं। तो पीसेस कैसे करेंगे हम, इस तरह से इसकी स्लाइस कर देनी है, मीडियम साइज़ की स्लाइस करनी है। ज़्यादा पतले भी ना रखिएगा और ज़्यादा मोटे भी ना कीजिएगा। तो ये हमारी जो स्लाइसेस है ना, वो एकदम खुली खुली हो जाएगी सब्जी में, तो भिंडी के साथ खाने में बहुत ही अच्छी लगेगी। अब हम इसके अंदर के लिए मसाला रेडी कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे दो चम्मच बेसन लिया है, उसके अंदर 3-4 चम्मच जितना हमें धनिया जीरा का पाउडर ऐड कर देना है। या वो बहुत ज़्यादा रखोगे ना तो टेस्टी लगेगा एकदम। और फिर साथ में हमने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी हल्दी ऐड कर दी है, हींग ऐड कर देनी है। साथ ही हम इसके अंदर अचार मसाला ऐड करेंगे, इससे भिंडी की सब्जी का टेस्ट ना बहुत ही अच्छा आ जाता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। स्वाद अनुसार नमक भी ऐड कर देंगे। अब एक कढ़ाई गर्म करने के लिए रखनी है, उसके अंदर जिस तेल में हमने भिंडी को फ्राई किया था ना, वही तेल हम ऐड करेंगे। और ये जो हमने बेसन का मसाला बनाया है ना, वो अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पे हमारा ऑयल जो है वो भी गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर ऐड कर देनी है हींग, और जो हमने प्याज कट करी थी ना, वो ऐड कर देनी है। प्याज को अभी हम तब तक के लिए पकाएंगे जब इसका कलर जो है ना, वो चेंज ना हो जाए। तो ये हमें गुलाबी कलर नहीं करना है, हमें इसका जो हम बिरयानी के अंदर जो बिरस्ता डालते हैं तब कैसा ब्राउन कलर होता है, तो उससे पहले वाला जो स्टेज होता है, थोड़ा सा ब्राउनिश होने लगे ना प्याज, तब तक फ्राई करनी है। अब प्याज फ्राई हो चुकी है, उसके अंदर जो हमने मसाला बनाया था बेसन का, वो ऐड कर देंगे। तो बड़े बड़े 4 चम्मच जितना मसाला, सारा जो मसाला हमने बनाया है वो ऐड कर दीजिएगा। और 1 टेबल स्पून हमने ऐड किया है यहाँ पे गरम मसाला। अब मसाले को हमें प्याज के साथ अच्छे से भून लेना है, जिससे कि अच्छे से पक जाए मसाला हमारा। और फिर उसके अंदर भिंडी ऐड कर देनी है। तो भिंडी ऐड करता हुआ जो वीडियो का शॉट है, वो मुझसे मिस हो गया है। तो आप लोग भिंडी ऐड करके इसको अच्छे से पका लीजिएगा। तो आप देख सकते हो भिंडी के साथ साथ प्याज भी दिख रही है। तो इस तरह से हम ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करेंगे प्याज को। और यहाँ हमारी फूली फूली सी रोटियाँ यानी कि फुलके भी रेडी हो चुके हैं। तो आप लोग ये कुरकुरी भिंडी की रेसिपी ना एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको सब्जी अच्छी लगी कि नहीं लगी। और लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तभी तो ऐसी नई नई रेसिपीज़ का मज़ा ले पाओगे ना। और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।